Welcome aboard. I mean, there's so many firsts on board this Kingfisher Funliner, as I call her. Stuff that's never seen before in the Indian skies. Fabulous flight attendants, all models. In-flight entertainment, the widest seat in the sky. And so I think we have a winner on our hands. In a big win for Indian banks, a London High Court has declared Vijay Mallya bankrupt. Vijay Mallya. एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में भगोड़ा, चोर, स्कैमर जैसे शब्द आते हैं। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम पर लोग इस आदमी के सामने झुकते थे। कहा जाता था विजय माल्या जिस चीज को छू दे वो सोना बन जाती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि द किंग ऑफ गुड टाइम्स बन गया द कॉर्न ऑफ ऑल टाइम। आइए जानते हैं माफिया मनी के सेकेंड एपिसोड में विजय माल्या की कहानी और करते हैं हिसाब पूरे 9,000 करोड़ का। अस्सी का वो दशक, विट्ठल माल्या। विजय माल्या के पिता यूनाइटेड ब्रीवर्स के चेयरमैन थे। उनका बहुत बड़ा एम्पायर था और वो एक मंझे हुए बिजनेसमैन थे जिसके पास बहुत सारी दौलत थी। विजय माल्या अपने माता पिता की एक लौती संतान थी। बचपन से ही उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला गया था। जहां हम अपने बचपन में गिल्ली डंडा खेलते थे, विजय माल्या बैटरी ऑपरेटेड फरारी कार्स चलाता था। महंगे कपड़े, अच्छा खाना, वो सारी चीज़ें जिसके बारे में हम और आप सोच नहीं सकते, विजय माल्या को टाइम से पहले और लिमिट से ज़्यादा मिला। विट्ठल माल्या शराब के धंधे में थे और शराब एक ऐसी चीज़ थी उस ज़माने में जिसे खराब और सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता था। शराब को हिंदुस्तान में टैबू की तरह देखा जाता था, साथ ही उस पर राजनीतिक दबाव भी था। शराब पीना अंग्रेजों का शौक था और इसी के चलते पूरे देश में इसे नफरत की तरह देखा जाता था। काफ़ी लंबे अरसे तक हिंदुस्तान में शराब पर नैतिकता और पाबंदी का दबाव रहा और ये कोई नई बात नहीं थी। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी भी शराब के खिलाफ थे। पाबंदी का डर इतना ज्यादा था कि लिकर इंडस्ट्री हिंदुस्तान में चुपचाप काम करती थी। जहां एक करोड़पति बिजनेसमैन मीडिया में बने रहने के लिए अपनी मार्केटिंग में, पीआर में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, वहीं मित्तल माल्या न्यूज़पेपर, रेडियो, न्यूज चैनल्स की सुर्खियों से दूर रहने के लिए इन्हें पैसे देते थे कि भाई कुछ भी करो, बस मेरे बारे में ना बात करो ना ही छापो। एक तरफ विट्ठल माल्या चुपचाप काम करते थे, वहीं उनका बेटा विजय माल्या इसका एकदम अपोजिट था। नौजवान विजय माल्या एक फेमस पब्लिक फिगर था जिसे फास्ट कार्स और मोटर रेसिंग का शौक था। विट्ठल माल्या को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनका कहना था कि ऐसे फालतू के शौक पालने वाला इंसान एक बढ़िया बिजनेसमैन नहीं बन सकता। शायद आप लोग ये ना जानते हो पर 80 के दशक में विजय माल्या ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती थी एंड ही वॉज अ नेशनल चैंपियन। लोगों को लगता था कि ये लड़का मोटर रेसिंग में इंडिया का नाम करेगा, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। विट्ठल माल्या को अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए। विजय माल्या बिखर गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता अचानक से उसे छोड़कर चले गए और छोड़ गए अपने पीछे शराब का बहुत बड़ा एम्पायर, और इसकी कमान अब विजय माल्या के हाथ में थी। केयरलेस, फ्री माइंड से जीने वाला इंसान अचानक से इतनी बड़ी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहाड़ के नीचे आ गया। अब सब कुछ विजय के कंधों पर था। लोगों के मन में सवाल थे, क्या यह लड़का इसे संभाल पाएगा? तो कुछ लोग कहते थे कि यह बिजनेस अब बर्बाद हो जाएगा, विजय की बस की नहीं। लेकिन विजय माल्या सबको गलत साबित करना चाहता था और उसने किया भी। मिड 80s का समय, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक बदलाव आ रहा था। यूथ से भरा भारत कंज्यूमर इकोनॉमिक बन रहा था। पब्लिक के पास पैसा था और वो उसे खर्च करना चाहते थे। विजय माल्या एक ऐसी ही कंपनी की कुर्सी पर बैठा था। बढ़ती यूथ की पॉपुलेशन और उनकी बढ़ती स्पेंडिंग कैपेसिटी को देखकर विजय माल्या ने यह भाप लिया था कि यह सही समय है इंडिया में अल्कोहल ड्रिंकिंग कल्चर को पूरी पेस से लॉन्च करने का। विजय ने जब अपने पिता की कंपनी यूनाइटेड ब्रीवर्स को ज्वाइन किया था, तभी से उसके मन में एक अल्कोहल ब्रांड का आइडिया था। ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट विजय का पैशन प्रोजेक्ट था एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्नीस सौ 85 का वो दौर
बैंगलोर हिंदुस्तान की सिलिकॉन वैली बन रहा था। वहां दुनिया भर की आईटी कंपनीज खुल रही थी और चारों ओर यूथ की भरमार थी। विजय को ये पता था कि बैंगलोर में रह रही जनता ब्रिटिश पब जैसी प्लेसेस पसंद करती है। बैंगलोर के पहले पब का नाम था द पब। विजय माल्या के पास उसके टारगेट कस्टमर्स थे और अब उसके पास एक परफेक्ट मार्केट भी थी। द पब में लॉन्च किया गया किंगफिशर को और सर्व करी गई हिंदुस्तान की पहली ड्रॉट बियर। रातों रात ये प्रोडक्ट सुपरहिट साबित हुआ। देखते ही देखते किंगफिशर नाम इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि उस समय लोग ये नहीं बोलते थे कि एक बियर देना, वो बोलते थे एक किंगफिशर देना। ये सब कमाल था विजय माल्या की ब्रांडिंग और मार्केटिंग का। द पब सुपरहिट साबित हुआ एंड गेस व्हाट, अगले 5 साल में द पब की सफलता को देखते हुए बैंगलोर के अंदर 40 और नए पब खुले और हर पब में किंगफिशर ड्रॉट बियर सर्व करी जाती थी। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया और कहा कि ये दारू शराब पब डिस्को भारत की संस्कृति के खिलाफ है। विजय ने किसी की नहीं सुनी, वो बस अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहता था और उसने अपनी जी जान लगा दी। जहां एक तरफ विजय माल्या के पिता जब शराब के बिजनेस में थे वो बहुत ही लो की प्रोफाइल मेंटेन करके रखते, ना लोगों से मिलना, ना पब्लिक अपीयरेंस देना, मीडिया से कुछ लेना देना नहीं, बस अपना काम करो और चुपचाप रहो। वहीं विजय माल्या एक अलग सोच के साथ बढ़ रहा था। उसका ये मानना था कि लोग उसको जाने पहचाने, जहां वो जाए लोग उसके आगे पीछे घूमे। विजय का सोचना था कि वो जहां भी जाए भीड़ लग जाए और भीड़ को देखकर बाकी लोग जो उसे नहीं जानते उनके मन में भी ये सवाल आए कि आखिर ये विजय माल्या है कौन और वो भी उसे जान जाए। और उसने ये बहुत ही बखूबी किया। एक तरफ विजय अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए थे, उनका सुपरहिट प्रोडक्ट किंगफिशर पूरे देश में धूम मचा रहा था, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए शराब की बिक्री नहीं होने देंगे। शराब को हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में बैन कर दिया गया, जैसे कि गुजरात। उस समय गुजरात की कमान थी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथ में और वो भी शराब बनाने और बेचने के खिलाफ थे। शराबबंदी के बाद को लोगों ने काफी सराहा है, स्वीकार किया है और उसकी ओर उन्हें दिया है। दूसरी बात, परिवर्तन की चाह। तो परिवर्तन की चाह ये लोगों की इच्छा और शराबबंदी का हमारा नाता। विजय माल्या को असली झटका तब लगा जब भारत सरकार ने शराब के किसी भी प्रकार के आने वाले एड पर बैन लगा दिया। यानी अब वो ना ही न्यूज़पेपर, ना ही रेडियो और ना ही टेलीविजन कहीं पर भी किसी भी प्रकार का एड नहीं कर सकते शराब का। बट विजय माल्या वॉज वेरी स्मार्ट। उसने बोला ठीक है, किंगफिशर बियर का एड नहीं कर सकते पर किंगफिशर वाटर का एड तो कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव था किंगफिशर नाम को रेलेवेंट रखना, क्योंकि किंगफिशर सिर्फ एक ब्रांड नहीं थी, वो था एक लाइफस्टाइल। वो एड किंगफिशर का बनाते थे और उसमें सोडा बेचते थे। इस एडवर्टाइजमेंट टेक्निक को कहते हैं सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट और आज भी ये प्रथा बहुत सारी ब्रांड्स के द्वारा फॉलो करी जाती है। विजय माल्या फुल पावर के साथ बिजनेस कर रहा था, किंगफिशर ब्रांड बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। और अब चलते हैं हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट फेज में और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा एम्पायर मिट्टी में मिल गया। विजय माल्या को लोग शराब का बादशाह कहकर बुलाते थे और उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि भारत में शराब को एक अलग नजरिए से देखा जाता था। तो ये रिमार्क शराब का बादशाह भी एक गलत मतलब के साथ पोर्ट्रे किया जाता था। उस समय विजय माल्या दुनिया का सबसे बड़ा लिकर प्रोड्यूसर था, लेकिन फिर भी he was not satisfied. I want to not go down in history as king of good times. I want to be a catalyst for change. There's a mission, there's a purpose. We'll go for it. एलेक्स विलकॉक्स एक एयरलाइन बिजनेस एक्सपर्ट हैं। 2004 में इनके पास एक कॉल आया और ये कॉल था विजय माल्या का। विजय माल्या के पास एक विजन था, वो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। माल्या ने कहा कि इंडिया में एक मिडिल क्लास है, इतनी बड़ी जिसकी पूरी आबादी अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। एक मिडिल क्लास आदमी ना गरीब होता है ना ही ज़्यादा अमीर। इस कैटेगरी के लोग हर चीज़ के मज़े लेना चाहते हैं, अपनी जेब को कम हल्का करें। आज भी मिडिल क्लास सेक्टर ही सबसे बड़ा सेक्टर है इस देश का। इन्हीं के टैक्स पर कह सकते हैं कि ये देश चल रहा है। विजय माल्या के टारगेट कस्टमर थे मिडिल क्लास लोग और वो पहले से ही उसके कस्टमर हैं और मौका है उनको कुछ नया एक्सपीरियंस करवाने का। उस समय इंडियन फ्लाइट्स में ट्रैवल करना कह सकते हैं हर मिडिल क्लास के बस की बात नहीं थी। यहाँ या तो अपर मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास के लोग ही सफ़र कर रहे थे। एलेक्स को विजय का विजन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी मिडिल क्लास कस्टमर्स की मार्केट के एक्सपर्ट थे। उन्होंने विजय के साथ हाथ मिला लिया और कहा कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा किंगफिशर एयरलाइंस को एस्टैब्लिश करने में।
विजय माल्या ने एयरबस के साथ $240 मिलियन की डील करी और खरीद लिए 12 जहाज जिसमें से 8 थे ब्रांड न्यू। और अब शुरुआत हो गई किंगफिशर एयरलाइन की। लोग ये कहने लगे कि विजय माल्या ने एयरलाइन बिजनेस इसलिए शुरू किया ताकि वो जहाज पर किंगफिशर का लोगो चिपकाकर अपनी शराब का एडवर्टाइजमेंट कर सके। मतलब आप सोच के देखिए कि कितनी बेवकूफों वाली बात है, एक इंसान हजारों करोड़ रुपए खर्च करेगा सिर्फ अपनी शराब का एड करने के लिए। एडवर्टाइजिंग बैन है, आपने किंगफिशर एयरलाइन भी शुरू कर दी, वो भी सरोगेट एकदम किंगफिशर को, आपकी बियर है ना किंगफिशर। तो आप क्या सोचते हैं कि हमने 2000 करोड़ खर्चा कर लिया एयरलाइन पे केवल बियर बेचने के लिए? नहीं, आप कहते हैं क्योंकि आपको ब्रांड प्रमोशन करना पड़ता है ना। नहीं नहीं, किंगफिशर की रिकॉग्निशन थी किंग एज ए बियर, नो एज ए लाइफस्टाइल। एयरलाइन बिजनेस विजय का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस बिजनेस के हर एक पहलू में विजय माल्या का इन्वॉल्वमेंट था। प्लेन के ऊपर ब्रांड लोगो से लेकर कैबिन क्रू को हायर करना, उनकी ड्रेस क्या होगी, हाउ दे विल अप्रोच द कस्टमर्स, प्लेन के अंदर दी जाने वाली सर्विसेज, हर चीज में विजय माल्या का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट था। इवन वो पर्सनली अपनी एयरलाइंस में ट्रैवल करने वाले कस्टमर से फीडबैक लेता था। If there's anything that you find that I should do better, please don't hesitate to mail me. पहली बार इंडियन एयरलाइंस में एयर हॉस्टेस साड़ी नहीं बल्कि स्कर्ट्स में थी। ये सब एकदम न्यू था भारत की जनता के लिए और सब लोग पगला गए। इस एयरलाइन का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, इंडिया की मिडिल क्लास पॉपुलेशन को बेस्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस देना। अपने लॉन्च होने के कुछ समय बाद किंगफिशर इंडिया की बेस्ट एयरलाइन बन गई। चारों तरफ उसी के चर्चे थे, हर कोई एक बार किंगफिशर एयरलाइन में ट्रैवल करना चाहता था। किंगफिशर एयरलाइंस की टिकट काफी अफोर्डेबल थी, इनकी सीट्स कंफर्टेबल थी, कस्टमर्स का स्वागत किया जाता था। ये लो कॉस्ट कैरियर सबके लिए एक समान था, ना यहाँ फर्स्ट क्लास थी या ना यहाँ सेकंड क्लास थी ना यहाँ लोअर क्लास थी, सिर्फ एक ही क्लास थी, किंगफिशर क्लास। कह सकते हैं कि विजय माल्या इंडियन एविएशन बिजनेस का स्टीव जॉब्स था। जिस प्रकार स्टीव जॉब्स की कंपनी एप्पल ने 2007 में आईफोन लॉन्च करके लोगों का फोन चलाने का एक्सपीरियंस स्मार्टफोन इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, उसी तरह विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस ने लोगों का फ्लाइट एक्सपीरियंस बदल कर रख दिया। बाकी की एयरलाइंस चुपचाप देख रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। सब एकदम बढ़िया चल रहा था, किंगफिशर ब्रांड एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुकी थी। ये ब्रांड थी इंडिया के मिडिल क्लास की। विजय माल्या और एलेक्स टुलूज फ्रांस जाते हैं जहां एयरबस की मैन्युफैक्चरिंग होती है। साथ में कुछ पायलट्स भी होते हैं जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए साथ गए थे। एयरबस के सेल्स पर्सन विजय को अपने साथ वेयरहाउस में ले जाकर घुमाने लगे और अपने नए प्लेन्स दिखाने लगे। देखते ही देखते ये नॉर्मल सा विजिट एक शॉपिंग स्प्री में बदल गया। उन्होंने बातों बातों में नए प्लेन ऑर्डर कर दिए, A319 $65 मिलियन, A321 $85 मिलियन, A330 $170 मिलियन। और जब तक उनकी विजिट खत्म हुई दे ऑर्डर्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ एयरप्लेन्स। एलेक्स ये सब देखकर काफी शॉक हुआ। उसका कहना था कि एविएशन बिजनेस में अगर आप प्लेन के अंदर एक सिंगल रो भी ऐड करते हो, उसे चेंज करते हो या फिर जरा सा भी एडवांस बनाते हो, देन यू ऐड अ लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और एक लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए चीजें सिंपल रखनी होती है। विजय माल्या महंगे प्लेन्स खरीद के किंगफिशर को एक डिफरेंट मार्केट के अंदर एंटर कर रहे थे। अब फोकस लो कॉस्ट एयरलाइन से हटकर महंगी एयरलाइन पर जा रहा था। इंडिया में अगर आपको पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए तो पब्लिक बैंक्स के पास जाना पड़ेगा, और विजय ने भी यही किया। We are going to raise $200 million for Kingfisher Airlines, as I said, in one form or another, and this is primarily to fund our aircraft acquisition. हिंदुस्तान के सरकारी बैंक्स इस देश के टैक्सपेयर्स के पैसों पर चलते हैं, यानी हम और आप जो भी टैक्स पे करते हैं उन्हीं पैसों से ये बैंक चलते हैं, और उन्हीं पैसों से इस देश की सरकार भी चलती है और ये देश भी चलता है। हमारे यहाँ इन सरकारी बैंक्स की हालत बहुत ही खराब है, करप्शन से लेकर घोटाले तक आए दिन इन बैंक्स के अंदर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। विजय माल्या ने इन बैंक्स के एम्प्लॉयज को अपनी चिकनी चुकनी बातों में फंसा लिया था। माल्या एक अरबपति बिजनेसमैन की तरह बात करता था। उसने सभी बैंक्स के एम्प्लॉयज को अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया। अपनी एयरलाइन को बड़ा बनाने के लिए विजय माल्या ने भारी मात्रा में इन सरकारी बैंक से लोन लिया। एयरलाइन को एक लग्जरी एक्सपीरियंस बनाने के लिए लोन का पैसा पानी की तरह बहाया गया। विजय ने अपनी किंगफिशर एयरलाइन की फर्स्ट क्लास कैरियर में एंट्री कर दी। मिडिल क्लास कैरियर में सब कुछ एक समान होता है, पर वहीं फर्स्ट क्लास कैरियर जब आता है तो उसके साथ सेकंड क्लास भी लाया जाता है। सर्विस भी अपग्रेड होती है क्योंकि अब आपके टारगेट कस्टमर पैसे वाले लोग होते हैं। एलेक्स वेलकॉक्स को फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं था
और वो विजय के साथ इसीलिए एयरलाइन बिजनेस में जुड़े थे क्योंकि उन दोनों का विजन एक था, मिडिल क्लास लोगों को बेस्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस देना। लेकिन समय के साथ विजय माल्या का विजन और टारगेट कस्टमर बदल गए एंड एलेक्स विलकॉक्स डिसाइडेड टू क्विट किंगफिशर एयरलाइंस। किंगफिशर फर्स्ट क्लास में 5-star लेवल की सर्विस दी जा रही थी, कस्टमर्स का स्वागत किया जाता था उन्हें फूलों की माला पहना के, उन्हें फैंसी खाना दिया जाता था, बियर सर्व करी जाती थी और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता था। किंगफिशर के टक्कर में कोई दूसरी एयरलाइन इसके आसपास भी नहीं थी। नए प्लेन्स को जोड़ने के बाद, नई क्लास को जोड़ने के बाद किंगफिशर अब प्रॉफिट में नहीं थी। What's the future for Kingfisher Airways? In the first 18 months up to September, you've lost 347 crore. You've already announced to PTI you've got 18 new aircrafts joining your fleet. Are you confident that Kingfisher won't go belly up? Kingfisher Airlines will never go belly up. I am extremely confident that it's going to be one of the most successful ventures of the UB Group. और तभी विजय माल्या ने एक दूसरी एयरलाइन Air Deccan को खरीद लिया ताकि उन्हें इंटरनेशनल स्लॉट्स मिल सके। लोगों का कहना था कि विजय माल्या ने इस डील के लिए एयर डेक्कन को मार्केट एवैल्यूएशन से कई गुना ज्यादा पैसे देकर खरीदा। विजय को एक इंटरनेशनल कैरियर चाहिए था जो सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क जैसी बड़ी सिटीज तक जाए। अब वो बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। डेक्कन एविएशन अब बन गई किंगफिशर एयरलाइंस और उसी के साथ किंगफिशर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई जो बेंगलोर से न्यूयॉर्क, लंदन नॉनस्टॉप उड़ान भर रही थी। एयर डेक्कन को जरूरत से ज्यादा पैसे देकर खरीदने के बाद बिजनेस बढ़ गया और बढ़ते बिजनेस को चलाने के लिए आपको और भी ज्यादा पैसा चाहिए, जिसके लिए विजय माल्या ने इंडियन बैंक से और भी भारी मात्रा में लोन लेना शुरू कर दिया। इन सब चीजों के बीच विजय माल्या ने एक और शौक दिया, एक F1 रेसिंग टीम खरीद के। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया एक F1 रेसिंग टीम को ओन करेगा और ये कमाल करके दिखाया विजय माल्या ने। किंगफिशर एयरलाइन, F1 टीम, एक क्रिकेट की टीम RCB, ये सब विजय माल्या की हॉबीज और इंटरेस्ट थे जो कि बड़े बिजनेस में बदल गए। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। 2008 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस तो आप सभी को याद होगा, इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। इसका सबसे बड़ा असर दिखा था एविएशन इंडस्ट्री पर। रिसेशन के चलते तेल के दाम बढ़ गए थे जिससे कि टिकट्स के प्राइस भी बढ़ गए थे। लोगों ने एयरप्लेन्स में ट्रैवल करना कम कर दिया था जिससे कि एविएशन कंपनीज को भारी मात्रा में लॉस उठाना पड़ा। नीरज मोंगा, 2009 में नीरज मोंगा कनाडा से इंडिया आए हुए थे अपने किसी बिजनेस के काम से और उन्होंने 2-3 बार किंगफिशर एयरलाइन में ट्रैवल किया और पाया कि इस एयरलाइन की सर्विस और स्टैंडर्ड बाकी एयरलाइन से बहुत ही अच्छा है और टिकट प्राइस भी काफी कॉम्पिटिटिव है। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि फ्लाइट्स में ट्रैवल करने के दौरान काफी सीट्स खाली थी, तो आखिर ये एयरलाइन सर्वाइव कैसे कर रही है इस मंदी के दौर पर। यहीं से नीरज की दिलचस्पी जगी किंगफिशर में एंड वो उसे एक फाइनेंशियल एंगल से देख रहे थे। कनाडा वापस पहुंचकर नीरज ने किंगफिशर एयरलाइंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना शुरू किया कि आखिर चल क्या रहा है। नीरज ने जो देखा उसे देखकर वो शॉक हो गए। किंगफिशर एयरलाइन पूरी तरह से नुकसान के सागर में डूबी हुई थी जहां प्रॉफिट का पी भी नहीं था। उन्होंने पाया कि एयरलाइन का प्रॉफिट इतना भी नहीं था कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल कर सके। उनके कॉस्ट उनके रेवेन्यू से बहुत ज्यादा थे और ये क्लियर था कि इस चीज से ये कंपनी ओवरकम नहीं कर सकती। इस कंपनी के पास बैंक से लोन लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अक्टूबर 2009 को IDBI बैंक ने माल्या को $200 मिलियन का लोन दिया। किंगफिशर ने बैंक्स को फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स दिखाए कि वो फ्यूचर में क्या क्या करेंगे जिससे कि उनकी एयरलाइन बहुत पैसा कमाएगी और बहुत सारा प्रॉफिट होगा। और ये हैरानी के साथ मूर्खों वाली बात है कि IDBI बैंक ने सिर्फ किंगफिशर की प्रेजेंटेशन को देखकर उन्हें लोन दे दिया। कोई ऑडिटिंग नहीं हुई प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। कोई बैंक इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? बैंक्स कभी भी इनटेंजिबल एसेट्स के बेसिस पर लोन नहीं देते, फिर यहाँ पर क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतने बड़े बैंक के इतने पढ़े लिखे एम्प्लॉयज इतनी बेसिक्स की चीज को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? दाल में कुछ काला है या फिर ये पूरी दाल ही उड़द की है? ऐसा तभी हो सकता है जब इन बैंक्स के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर हो या फिर बैंक्स के अंदर ही करप्शन हो। अब आप खुद ही समझ जाइए कि क्या होगा। माल्या कर्ज में इतना डूब चुका था कि उसका बच पाना नामुमकिन था। सब उम्मीद के भरोसे चल रहा था। नीरज मोंगा की कंपनी वेरिटास ने एक पब्लिक रिपोर्ट पब्लिश करी किंगफिशर एयरलाइंस पर जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा था। इस रिपोर्ट का नाम था अ पाई इन द स्काई। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद हड़कंप मच गया। किंगफिशर एयरलाइंस और सभी बैंक्स जिन्होंने माल्या को कर्ज दिया था जांच के घेरे में आ गए। वहीं विजय माल्या का कहना था कि ये रिपोर्ट्स झूठी हैं, सब कुछ बकवास है,
हाँ हम थोड़े तकलीफ में है लेकिन सब सही हो जाएगा। I'm rather surprised actually that the so-called Veritas report is being so extensively quoted. Frankly, I've never heard of Veritas. 2011 में पैसों की इतनी किल्लत हो गई कि इंडियन ऑयल ने किंगफिशर के CFO से कहा कि हम क्रेडिट लाइन और एक्सटेंड नहीं कर सकते, अगर आपको तेल चाहिए तो कैश लेके आओ। सोचिए देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के पास तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। हालत बद से बदतर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। एयरलाइन की एयर होस्टेसेस ने बताया कि एयरलाइन केटरिंग डिपार्टमेंट के ड्यूज तक क्लियर नहीं कर रही थी। हालत ऐसी हो गई थी कि एयर होस्टेस को अपना खाना सर्व करना पड़ा कस्टमर्स को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि एयरलाइन से जुड़े सभी लोग ये मानने को रेडी नहीं थे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और पानी सर के ऊपर जा चुका है। सब कुछ राम भरोसे चल रहा था। विजय माल्या के करीबी लोगों ने उसे ये सजेस्ट किया कि एयरलाइन के बिजनेस के सारे कर्ज को चुकाकर उसे बंद कर दो, इसी में भलाई है। लेकिन ये इंसान इसी बात पर अड़ चुका था कि सब ठीक हो जाएगा, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। जब कोई इंसान किसी चीज को बहुत पैशन से करता है तब उसका आत्मसम्मान भी दांव पर रहता है। सिचुएशन और खराब हो गई। एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी काफी समय से नहीं मिली थी और अब वो भी सड़क पर उतर गए थे। सबने मिलकर माल्या को चिट्ठी लिखी कि हमारे पैसे हमें दो। खूब प्रोटेस्ट भी हुए। विजय ने सबको वादा किया कि सबको सैलरी मिलेगी, टेंशन नॉट, पर हाथ क्या लगा? नथिंग। एम्प्लॉय मीडिया में जा जाकर डिमांड कर रहे थे कि हमारे पैसे दो नहीं तो विजय माल्या को गिरफ्तार करो। वो भारत की सरकार से, भारत के कानून से इंसाफ मांग रहे थे। विजय माल्या हमारी सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। विजय माल्या सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। विजय माल्या ने अपने एम्प्लॉयज को एक मेल लिखा और कहा कि आप सब मीडिया से बात ना करें, मुझ पे भरोसा रखें, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ आप सबके पैसे मिलेंगे, ये एयरलाइन फिर से उड़ेगी और हम सबका बहुत फायदा होगा। पर हाथ क्या लगा? नथिंग। किंगफिशर के एम्प्लॉयज जिन्होंने जी जान लगाकर इस एयरलाइन को जमीन से आसमान तक पहुँचाया वो भूखे मर रहे थे। एलेक्स को जब ये बात पता चली कि किंगफिशर का दिवालिया निकल गया तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। अमेरिका में अगर किसी एम्प्लॉय की एक महीने की सैलरी टाइम से ना मिले तो एम्प्लॉयर को तुरंत जेल हो जाती है। शॉकिंग बात यह थी कि किंगफिशर ने अपने सारे इंटरनेशनल एम्प्लॉयज की सैलरी पे कर रखी थी, सिर्फ इंडिया के एम्प्लॉयज को तड़पाया जा रहा था, जिससे ये साफ हो गया था कि पैसों की कमी तो नहीं थी। एयरलाइन के एक एम्प्लॉय की बीवी ने अपनी जान दे दी और अपने लेटर में यही लिखा कि वो ये कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि विजय माल्या ने उसके हस्बैंड की सैलरी नहीं दी, जिसकी वजह से वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने लगे। सबको लगा कि विजय माल्या का दिल अब पिघल जाएगा और वो सारे एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी दे देगा, पर हाथ क्या आया? नथिंग। मानते हैं कि कंपनी के पास पैसा नहीं था, पर विजय माल्या के पास तो था। वो चाहता तो अपना एक बहामास का घर बेचकर सबके पैसे चुका देता, पर नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पैसे नहीं दूंगा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, बेशर्मी की हद तो अपार होगी। विजय माल्या का 60वां जन्मदिन, किंगफिशर एयरलाइन बर्बाद हो गई, अपने एम्प्लॉयज के पैसे नहीं दिए, बैंक का हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज सर पर था, CBI की इंक्वायरी बैठी हुई थी। इन सारी जिम्मेदारियों से दूर भागकर विजय माल्या ने डिसाइड किया कि अब मैं 60 साल का हो गया हूं और समय है जश्न मनाने का। विजय माल्या ने बहुत बड़ी आलीशान पार्टी करी जिसमें एनरिके को बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए। विजय माल्या जब पार्टी करता था तो वो कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं होती थी, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? इन पैसों से उन 900 एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं पे करी जा सकती थी। I don't know how many crores of rupees he spent on a massive birthday party celebration. This is theft. This is loot. $100 विजय माल्या के लिए कुछ नहीं होंगे, पर एक आदमी $100 से पूरे महीने का खर्चा उठा सकता है। ये पार्टी एक तमाचा था पूरे सिस्टम के ऊपर, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स के ऊपर, बैंक्स के ऊपर, उसके एम्प्लॉयज के ऊपर, उस आदमी के ऊपर जिसने अपनी बीवी खो दी थी। आज वो लोग जो इस पार्टी का हिस्सा थे, इवन विजय माल्या के अपने बेटे का ये कहना है कि हमने वो पार्टी करकर बहुत बड़ी गलती करी, हमें कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए था, ये पार्टी सभी के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। जब इंक्वायरी आगे बढ़ी तो पता चला 2009 में $200 मिलियन के दिए गए लोन में बहुत गड़बड़ थी, इसमें करप्शन के लिंक्स थे। मोदी सरकार जब पावर में आ रही थी उन्होंने इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट किया, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि अब दूसरे बड़े बिजनेस टाइकून्स पर भी नजर जाएगी, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ऑनगोइंग इंक्वायरी के बीच 2 मार्च 2016 को विजय माल्या देश छोड़कर लंदन भाग गया। ये भी अपने आप में बहुत ही शॉकिंग बात है कि एक आदमी जिस पर CBI की इंक्वायरी चल रही है
कोर्ट में इतने केसेस हैं, उसका पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं किया गया, उसके ऊपर इंटरनेशनली फ्लाई करने पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। सवाल तो बहुत सारे हैं पर जवाब किसी के पास नहीं। Public sector banks and other creditors, employees very much included. I want to disprove the narrative that I stole money.